पौड़ी में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने डीएम पौड़ी आशीष चौहान से मुलाकात की। अंकिता की मां ने कहा कि बेटे के सीए की पढ़ाई छूट गई है और उनके पति बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सूद तक नहीं ले रहा। अंकिता की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी लेट लतीफी हो रही है। इसके साथ ही सोनी भंडारी ने मांगों का जो है जल्द समाधान नहीं होने पर 6 मार्च से डीएम कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान डीएम ने कहा कि आईसीआई से सीए की पढ़ाई कर रहे अंकिता के भाई को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंकिता के पिता के स्वास्थ्य की जांच के लिए सीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परिवार के लोगों की हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था, मेरे पति से भी, कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे, मतलब 5 महीने हो गए हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला, न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो आज इसी विषय पे मैं यहाँ आई हूँ। उनके जो अंकिता भंडारी की माता जी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप सी आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई।